आगे बढ़ाना है किसको करना है राजनीति से बाज यहाँ पे न पहले कोई पार्टी आई थी रिजर्वेशन में न आज आने वाली है। ठीक है, तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल फायदा और नुकसान दोनों है। प्रैक्टिकल फायदा यहाँ पर बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है और ये सभी पार्टियां मान भी रही है और बीजेपी भी। मैं बोलता हूँ संविधान एकदम परफेक्ट नहीं है, अगर 100% परफेक्ट होता तो इतने संशोधन हर साल नहीं होते, सारी पार्टियां करती है, कांग्रेस बीजेपी सब कुछ। ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि संविधान एकदम से इम्परफेक्ट टाइप की चीज है। आरक्षण आज के 70 साल पहले कुछ और था, हो सकता है उस वक्त बोला था 10 साल के लिए रखेंगे, आधार कुछ और था, आधार कुछ और था, आज आधार कुछ है। मिश्रा जी ने कहा कि लगा जो इनको लाभ का लाख होगा वो इनकी तरफ चला जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की सियासत क्या आरक्षण भरोसे अब हो रही है, क्या धीरे धीरे शिफ्टिंग हो रही है? छोटा रिएक्शन आप पैदा कर रहे हैं, छोटा रिएक्शन ए के मिश्रा जी का ले लें, एक छोटा रिएक्शन ले। ठीक है प्रदीप पटनागर, अभी इनका सवाल जवाब दीजिए, समय बहुत है हमारे पास। आप ए के मिश्रा साहब, यहाँ पर किस तरीके से अगर विश्लेषणात्मक तौर पर देखें तो वजह क्या है कि आरक्षण के मुद्दे को इस समय लाया गया, और उसमें अगर आरक्षण के भीतर भी इसको अगर कैटेगराइज कर दिया गया तो नफा नुकसान किस तरीके से देखा जाए? अभितोष देखिए, हाँ। मैं आपको बताऊं, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम तक आइडियल पॉलिटिक्स या प्रिंसिपल बेस्ड पॉलिटिक्स बीजेपी में बहुत थी, सारी पार्टियों में थी। अभी बीजेपी ने क्या किया है, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स पे ये लोग झुक गए हैं। बीजेपी इतनी स्मार्ट पार्टी है, मैं सबको बोलता हूँ कि ये एक पत्थर से किलिंग मेनी बर्ड्स विद वन स्टोन। इस वक्त जो ये आरक्षण लाए हैं, इलेक्शंस वगैरह है राजस्थान के सब है, तो देखिए सोशल और पॉलिटिकल गेन प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा और सोशल गेन क्या होगा, प्रोस एंड कॉन्स हम दोनों देखेंगे। देखिए पॉलिटिकल गेन पे इनको क्या है, आरक्षण बीजेपी के लिए हमेशा गले की फांस बनी हुई थी, न ये उसको टच कर सकते थे ना हटा सकते थे। एक दो मुद्दे और है जैसे इसको लेकर सवर्ण भी काफी नाराज है। बिल्कुल, देखिए अब इन्होंने कितनी होशियारी से किया, मैं चलिए मैं ये मान लेता हूँ कि जो इन्होंने सब कैटेगरीज बनाई है वो ज्यादा बेटर पेनेट्रेशन के लिए बेनिफिट के लिए बनाई है, लेकिन पहले इनका पॉलिटिकल हित क्या है, अगर आप किसी चीज को कमजोर नहीं कर सकते हो तो उसको डिवाइड करो, वो जितने पार्ट में डिवाइड होंगे भाई किसी न किसी पक्ष को या सब कैटेगरी को बेनिफिट तो मिलेगा ना, और किसी को लॉस होगा इसमें। जिसको बेनिफिट मिलेगा ये वही वोट बैंक होगा जो बीजेपी का अभी तक वोट बैंक नहीं था, तो ये उनके फेवर में आएंगे। ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिक बेनिफिट है। सोशल बेनिफिट की अगर हम बात करें तो अभी जैसे संजय जी ने बोला कि संविधान, मैं बोलता हूं संविधान एकदम परफेक्ट नहीं है, अगर 100% परफेक्ट होता तो इतने संशोधन हर साल नहीं होते, सारी पार्टियां करती हैं, कांग्रेस बीजेपी सब कुछ। ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि संविधान एकदम से इम्परफेक्ट टाइप की चीज है। आरक्षण आज के 70 साल पहले कुछ और था, हो सकता है उस वक्त बोला था 10 साल के लिए रखेंगे, आधार कुछ और था, आज आधार कुछ है। लेकिन इसमें एक चीज तो समझ में आती है कहीं ना कहीं कि जिनको फायदा नहीं मिल रहा था, आप इसका जिक्र भी कर रहे थे कि जिन कैटेगरीज को फायदा या जिन जातियों को फायदा नहीं मिल रहा था उनको शायद फायदा मिल जाए और वो फायदा भुना ले बीजेपी, लेकिन वो भी तो जनता है, वो भी तो जनता है, जनता सब है। मैं जैसे सर एक मिनट सर मुझे बोलने दीजिए ना, ठीक है एक मिनट प्रदीप पटनागर पहले बात पूरी कर ले, ठीक है मुझे पूरा कर ले। देखिए है क्या, एक चीज की तो मैं किसी भी सरकार की तारीफ करूंगा, अगर रिजर्वेशन बाबा साहब ने बनाया और पार्टियों ने बढ़ाया तो डेफिनेटली जो दबे कुचले हैं उनको सहारे की जरूरत है, जो कमजोर है कैसे भी हो। बीजेपी का एक चीज इसमें डेफिनेटली है कि डीपर पेनेट्रेशन करके उन लोगों को जो वाकई में बड़े कमजोर थे उनको अधिकार दिया जाए कानून बनाने का, यही दिया जा रहा है, तर्क यही दिया जा रहा है। ये बीजेपी की स्ट्रेटजिक खूबसूरती है सर, प्रेजेंटेशन कैसे करना है। नहीं कांग्रेस इसे साजिश बता रही है, क्या ये रणनीति का हिस्सा है या साजिश? देखिए हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। विपक्ष तो हमेशा बोलेगी भाई जब बीजेपी यही विपक्ष में थी तो कांग्रेस की हर चीज को ये बुरा बोलते थे। विपक्ष की तो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति है, ये नेचुरल प्रवृत्ति है, वो तो जरूरी भी है। लेकिन देखिए तो जरूरी भी है, आलोचना नहीं करें सरकार की तो सरकार का हर काम सही है, ये कैसे कहा जाएगा? ग्रेटर गेम प्लान क्या है बीजेपी का, इलेक्शन के पहले ऐसे चीजों को ऐसे मुद्दों को टच करना और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना के बाद वही हो रही है। जानबूझ कैसे टच किया जा रहा है पॉलिटिकल माइलेज के लिए, प्रदीप पटना ठीक है ए के मिश्रा कुछ आकलन इसे करिए कि क्या फिर से उत्तर प्रदेश की सड़कें तैयार रहेंगी
इस तरीके से जो आरक्षण का मसला गरमा रहा है, कुछ लोग कुछ जाति विशेष क्या सड़कों पर फिर से उतरेंगे कि उनको नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, ये प्रोबेबल फ्यूचर डैमेज की आपने बात की है, बड़ा जीनियस क्वेश्चन है। आप देखिए, मैं बोलता हूँ एससी एसटी ये सब जो टर्म आए हैं, तो ये विभाजन की राजनीति तो कब से चल रही है, मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा, ये टर्म इतिहास का जिक्र मत। दूसरी चीज, हरियाणा में जब ऐसे ही आंदोलन हुआ था अभी एक आध साल पहले, तो बीजेपी ने आरोप लगाया था कि किसी और पार्टी के द्वारा ये बैक्ड है, उनकी साजिश है। यही चीज अभी हमने डिबेट में ये देखा कि बीजेपी वालों ने जब ये चीज किया तो संजय भाई साहब हमारे बोल रहे थे कि हम दलितों को बटने नहीं देंगे। अब सवाल देखिए, सभी पार्टियों का टारगेट यही है सत्ता की कुर्सी पर पहुंचना है, ठीक है? नहीं, संजय गुप्ता अब तमाम मुद्दों पे बात करने लगते तो खिचड़ी पक जाती है यहाँ पर। सिर्फ अगर आरक्षण की बात करें, जाति विशेष, सिर्फ आरक्षण की बात नहीं, आपके लिए नहीं है, संजय गुप्ता के लिए। मुझे समझ में आपके विश्लेषण सारी बात समझ में आती है, मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप सत्ताधारी पार्टी को या विपक्षी पार्टी। सर सुनिए ना, आप सुनिए ना, तारीफ की सुनिए, हमें तारीफ की आवश्यकता नहीं है, आप हमारी कमी बताएं, कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, काम सभी ने सुनिए, हर एक का एक रोल है, आप उस रोल का एहसास नहीं लेते, आप उनको बहुत छोटा करके बताना चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, विपक्ष की भी इस देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका है, और कांग्रेस की सबसे बड़ी भूमिका है, जो लोग सत्ता में हैं विपक्ष की सबसे बड़ी भूमिका है। संजय गुप्ता, इससे इनकार कौन कर रहा है? विपक्ष की सबसे बड़ी भूमिका है, बेरोजगारी बढ़ेगी। विपक्ष अगर मजबूत है तभी सत्ता में जो पार्टियां हैं वो काम करेंगी। सर, विपक्ष अगर मजबूत नहीं होगा तो काम कर, विपक्ष की भूमिका तो है, ठीक है? ठीक है मिश्रा जी, जब सरकार अगर बेलगाम हो जाएगी तो क्या तरीका है हमारे पास, बता दीजिए। आप तरीका बता दीजिए, आप लोग बनाए रखिए। जब सत्ता आपके पास है और आप सुन नहीं रहे, मगरूर हो गए, तो विपक्ष ये अगर सड़क पे ना उतरेगा। देखिए, अभी तो आपके सवाल का आंसर मिल गया ना, जो आप से पूछ रहे थे, बता दीजिए। ठीक है, विभाजन किया जाएगा, जरूर उतरेंगे, ठीक है? यानी कि बीजेपी की जो मंशा है उसी मंशा के हिसाब से काम होगा। बीजेपी क्या चाहती है कि सड़कों पर उतरे, आप कर रहे हैं, आप बैक कर रहे हैं, ठीक है? शाहबुद्दीन सैफी मिश्रा जी ने कहा कि लगा जो इनको लाभ के लाख होगा वो इनकी तरफ चला जाएगा, जो अदर लाभ होगा वो दूसरी तरफ चला जाएगा, जिसको सारी पार्टियां लाभ, तो सारी पार्टियां लाभ की बात हो, सुनिए मिश्रा, ये बांटेंगे और राज करेंगे। वो तो सत्ता में है सर, सत्ता में है, बौखलाहट सत्ता पाने के लिए होनी चाहिए, या सत्ता बचाने के लिए? जो जा रही है उसको पाने के लिए, मध्य प्रदेश भी जा रहा है, बौखलाहट ज्यादा जा रहा है, छत्तीसगढ़ भी जा रहा है, तो वो बौखलाहट है। देखिए सुनिए, ठीक है, जिसको ये मंदिर में नहीं घुसने जाते थे, आज उसके पक्षकार बनने, क्योंकि अब हिंदू मुस्लिम इनका चारा ना, तो यहाँ चारा डालेंगे ये। इनकी बहुत खतरनाक रणनीति है कि ये डिवाइड करके बिल्कुल सबको अलग अलग करना चाहते हैं। देखिए, चारा नहीं है, एक वोटर को ना आप चारा समझते हो ना, ये चारा ही आपको सिखाएगा। अभी उत्तर प्रदेश में मैंने नहीं किया, आपका वर्ड है मिश्रा जी। आप जनता को चारा समझते हो, जनता चारा नहीं है, जनता जनार्दन है, जनता ने चुनकर आपको यहाँ भेजा है, बहुत उम्मीदें थी आपके साथ, आपको आरक्षण। सुनिए मिश्रा जी, आप बीजेपी के प्रवक्ता बन जाइए, अच्छा होगा ज्यादा आपके लिए, अब राजनीतिक विषय बनने की जरूरत नहीं है आपको। दूसरी बात सुन लीजिए, जब ये जनता को यहाँ चुन कर आएगा तो उसका कोई कारण नहीं है। देखिए, आरक्षण जहाँ मिल रहा था आप उसको तोड़ मरोड़ कर क्यों पेश करना चाह रहे हैं? अच्छा, आपको क्यों जनता को लड़ाने का काम कर रहे हैं? नहीं, आरक्षण ये बताइए, आरक्षण समाजवादी पार्टी वाले ये भी तो बताइए। नहीं, अगर आरक्षण में इस तरीके से सब कैटेगरी बन रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, प्रदीप भटनागर इसका जवाब नहीं, नहीं। भटनागर जी, फिर उसमें एक काम और कर दिया संशोधन कि जो उसमें संपन्न है उसको हटा दीजिए उस जाति में से। वही काम कर रहे हैं, चिंता मत करो, ऐसा कॉन्सेप्ट तो पहले भी था, जो संपन्न है उसको हटा दीजिए। वो तो कॉन्सेप्ट चल रहा था, हो सकता है समिति, हो सकता है आप सच्चाई देख
शाहबुद्दीन सैफी हो सकता है कि हो सकता है इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद उसमें फिर से कुछ ऐड किया जाए। इस छोटे सवाल का जवाब दीजिए, छोटे से सवाल का जवाब दीजिए कि अगर आरक्षण में सब कैटेगरी बन रही है, अगर उसको तीन हिस्सों में बांटा जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? आरक्षण तो उन सभी जातियों को मिल ही रहा है, कोई भी जाति उससे बाहर थोड़ी की जा रही है, इसमें क्या परेशानी है? देखिए परेशानी सबसे बड़ी ये है कि उनको ये आपस में लड़ाने का काम, लड़ाई कैसे, लड़ेंगे कैसे, फायदा पहुंचेगा, लड़ेंगे कैसे? आप लॉजिक दे दीजिए ना, आपके टाइम पे आरक्षण का कॉन्सेप्ट या इंफ्रा जो स्ट्रक्चर था वो बेटर क्यों था? लॉजिकल बताइए ना, उसको नुकसान है। संजय उसने भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपने अभियान चलाया है, आयुष्मान आपने चलाया है। ये बताइए कि अगर कैटेगरी को सब कैटेगरी वहां पर किया जा रहा है तो किस तरीके से यहां पर नुकसान हो रहा है आपस में, किस तरीके से लड़ाई झगड़ा? सर एसपी कह रहे हैं आपसे वही फायदा या नुकसान बताइए। फायदा तो नहीं बताएंगे, नुकसान बताइए। मिश्रा जी आप उसमें टिप्पणी करती हैं, ठीक है जवाब दीजिए। आप मान लीजिए आपने उसको पूरा तो नहीं किया, आपने उनको पूरा तो नहीं किया, एक बार जवाब लेने फिर आता हूं मैं। बताओ कांग्रेस के प्रवक्ता को बीजेपी पटनागर जवाब पढ़ने के लिए क्या काम किया? मिश्रा एक छोटा रिएक्शन आपका चाहेंगे, उसी के साथ क्लोजिंग करेंगे। छोटा रिएक्शन सभी पार्टियों के लिए आ सकता है कि आरक्षण से कैसे फायदा, कैसे नफा, कैसे नुकसान? मैं बता रहा हूँ, देखिए इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का एक एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री बहुत बवाल हुआ था शिक्षा मित्रों के ऊपर। सवाल यह था कि एक ही जात के लोगों को भर दिया गया यूपी में नौकरियों में, तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बीजेपी देखिए कितने सही तरीके से। और विपक्ष को प्रॉब्लम क्यों है कि जब आरक्षण को हम डिवाइड कर देंगे माइक्रो लेवल पे तो जो ये एक ही जात के लोग या भर जाते हैं, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन पे भी कंट्रोल करना हर पार्टी का अपना वो होता है, एक टारगेट होता है, तो एक ही जात के लोग ना जाएं नौकरियों में, मतलब एक विशेष तरीके के लोगों को ही दिया जाए, ठीक है वो सोशल रिफॉर्म भी है मैं मानता हूं। तो ये इसका इमीडिएट इंपैक्ट ये पड़ेगा कि अगली बार जब वैकेंसी जाएंगी तो पता चला कि भाई जो पहले एक होता था जिसकी सरकार है वही सारे लोग जा रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा डायनामिक शिफ्ट हो जाएगा। वो डायनामिक शिफ्ट होकर के ये होगा कि जिसको करंट सरकार चाहती है जाति विशेष को, उसको वो ज्यादा प्रमोट करेगी, और यही हेर फेर आरक्षण के परसेंटेज में होगा, डिवीजन में, कि ये विलफुली किसको आगे बढ़ाना है किसको करना है। राजनीति से बाज यहाँ पे ना पहले कोई पार्टी आई थी रिजर्वेशन में ना आज आने वाली है, ठीक है? तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल फायदा और नुकसान दोनों है। प्रैक्टिकल फायदा यहाँ पर बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है और ये सभी पार्टियां मान भी रही है, और बीजेपी भी, और बीजेपी का तर्क साफ तौर पर है कि इससे उन लोगों को फायदा होगा जिन्हें अभी तक फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन असल में क्या राजनीतिक तौर पर किसी पार्टी को इससे फायदा होगा या किसी पार्टी को नुकसान होगा? तो आज की बहस हम इसी के साथ खत्म कर रहे हैं कि क्या